दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने 227 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में ईशान किशन ने डबल सेंचुरी ठोककर खूब सुर्खियां बटोरी। ईशान किशन ने 210 रनों की एक शानदार पारी खेली और अपनी इस पारी से टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन इसी बीच इस खिलाड़ी ने टीम में अपने भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड 210 रन की पारी खेलने वाले ईशान किशन ने भारतीय टीम में जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करते हुए कहा कि वह सीमित मौके को भुनाने की जरूरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चोटिल रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम में जगह बनाने वाले ईशान ने वनडे इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। लेकिन भारतीय टीम जनवरी में जब श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी तब चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि रोहित फिट होंगे और शिखर धवन भी टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा वनडे टीम में सीमित मौकों पर शुभमन गिल ने भी खुद को साबित किया है। दोस्तों, ईशान ने मैच के बाद कहा, मुझे नहीं लगता है कि इस टीम में बल्लेबाजी क्रम निश्चित है। कई बड़े खिलाड़ी अलग अलग क्रम पर खेल रहे हैं या प्रदर्शन के बारे में है, और मैं शिकायत नहीं कर सकता कि मैं इस स्थान पर बल्लेबाजी करना चाहता हूं। दोस्तों, ईशान के लिए मैच में मिले मौके का फायदा उठाना महत्व रखता है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मौका है जब आपको स्कोर बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको अपनी क्षमता दिखाने के लिए सिर्फ एक या दो मैच मिलेंगे। दोस्तों, ईशान को इस बात की कोई परवाह नहीं कि उन्हें जनवरी में भारत के अगले वनडे में मौका मिलेगा या नहीं। ईशान ने कहा, मैं इस बारे में नहीं सोचता हूं कि अगला मैच खेलूंगा या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में ईशान किशन को मौका मिलेगा या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।